अब बढ़ते हैं हम आगे, आज क्या होगा? ज्ञान वापी के सर्वे पर सुनवाई होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, ये हम आपको तमाम चीजें बता रहे थे इस पूरे मसले को लेकर। तो ज्ञान वापी की जब हम बात कर रहे हैं तो कल पूरी बात की जाएगा सर्वे की, तो 5.5 घंटे तकरीबन यहाँ पर सर्वे हुआ था और कल पूरी जो सर्वे की कार्रवाई थी उसको रोक दिया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे। काशी से दिल्ली तक गहमा गहमी मची हुई थी, सुबह 7 बजे से ज्ञान वापी परिसर में सर्वे को लेकर तैयारियां शुरू हुई थी और दोपहर 12 बजे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे को रोका गया। सुबह 7 से 12 बजे तक क्या क्या हुआ, 5 घंटे का पूरा ये घटनाक्रम क्या रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। ज्ञान वापी परिसर के बाहर आज सुबह से ही जबरदस्त हलचल थी। वाराणसी कोर्ट के द्वारा ज्ञान वापी का सर्वे कराने के फैसले के बाद आज का दिन बेहद खास था। हिंदू पक्षकारों और समर्थकों के साथ आम लोगों की भीड़ भी यहां मौजूद थी, लिहाजा ज्ञान वापी परिसर के बाहर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए थे। सुबह 7 बजे के करीब ASI की टीम ज्ञान वापी पहुंची। करीब 10 मिनट बाद ASI की टीम ने ज्ञान वापी परिसर के पास सर्वे की प्राथमिक शुरुआत की, मगर सर्वे का काम करीब आधे घंटे बाद ही रोकना पड़ गया क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहां नहीं पहुंचा था। मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे का विरोध जताते हुए बॉयकॉट कर दिया। हम ये समझते हैं कि जो लोअर कोर्ट ने वो दिया था ये ऑर्डर कि सर्वे होना चाहिए, लेकिन मुस्लिम साइड ने उसको अपोज किया है और ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल के खिलाफ अपील की गई है, तो बेहतर ये होता कि पहले सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे देता और उसके बाद ही कोई सर्वे होता। हालांकि आधे घंटे बाद करीब 8:15 बजे सर्वे का काम फिर से शुरू हो गया। प्राथमिक सर्वे में ASI की टीम ने ज्ञान वापी की पश्चिमी दीवार का मुआयना किया और बारीकी से हर चीज की जांच कराना शुरू किया। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मुस्लिम पक्ष का विरोध सिर्फ मौखिक है, उन्होंने सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका नहीं दी है। मैं यही बता रहा हूँ कि ये सारी बातें ओरल चल रही है कि हम सर्वे का विरोध करते हैं, हम सर्वे का स्टे चाहते हैं, पर उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के स्टे के लिए कोई एप्लीकेशन कोई याचिका फाइल ही नहीं की है, ना हमें कोई उसकी कॉपी रिसीव कराई गई है। तो ये सारी बातें ओरल चल रही हैं कि उम्मीद से परे, उम्मीद से ज्यादा सबूत हम लोग को मिलने जा रहे हैं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में उस हियरिंग में पार्टिसिपेट करूंगा और उसके बाद वाराणसी का रुख करूंगा और इस सर्वे में भी भाग लूंगा। मुस्लिम पक्ष के विरोध के बीच ज्ञान वापी परिसर में ASI की टीम का सर्वे जारी। एक तरफ ASI की टीम ज्ञान वापी में सर्वे कर रही थी तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ज्ञान वापी में सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी। आज वो सर्वे, वो वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है जिसकी तस्वीरें जी मीडिया एक्सक्लूसिव दिखा रहा है। आप देखिए सर्वे के जो सदस्य हैं वो किस तरह से एक एक चीज को देखते हुए, एक एक चीज पर पूरी अपनी निगहबानी करते हुए, आप देखिए सामने ये जो सदस्य सामने आ रहे हैं, ये आकर और ये जो सामने आपको देखिए, ये जो सदस्य हैं, ये मस्जिद परिसर जो ज्ञान वापी परिसर है इसके गेट के सामने, ये जो कहा जाता है कि ये द्वार नुमा जो आकृति है इसके सामने आए हुए हैं और जो दीवार पर क्या अक्षर अंकित है उसको देख रहे हैं। इसके साथ ही जिस टोपी वाले शख्स, जो टोपी लगाए, सफेद टोपी लगाए हुए जो शख्स मैं दिखा रहा हूँ, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वो भी कुछ जो खम्भे नुमा आकृति है उसमें कुछ तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। ज्ञान वापी मस्जिद के इमाम ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ASI सर्वे का बॉयकॉट किया है क्योंकि प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में सर्वे के खिलाफ याचिका डाली गई है। बावजूद है कि हम उसमें एक पक्ष हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कोई सूचना नहीं दी कि हम सर्वे करने आ रहे हैं। एक वजह तो ये है, एक हर चीज़ का एक प्रोसीजर है, इसका भी एक प्रोसीजर ये है कि हमें सूचना दी जाए, नहीं दी गई। दूसरी वजह यह है कि इस आदेश के खिलाफ हम आज सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं, आज ही हमारी हियरिंग होने वाली है। आप खुद बतलाइए कि जिस चीज़ के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं उसी चीज़ में हम कैसे शामिल हो जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया जिसके तहत 26 जुलाई शाम 5 बजे तक ज्ञान वापी में ASI सर्वे पर रोक लगा दी गई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंट्रिम रोक लगाई है। कुल मिलाकर आज सुबह से ज्ञान वापी सर्वे के मामले पर 5 घंटे तक जबरदस्त हलचल बनी रही।
जिसका नतीजा ये निकला कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 53 घंटे तक ज्ञानवापी में एएसआई की टीम कोई गतिविधि नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात माफिया मुख्तार अंसारी की, जिसके खिलाफ आज सुनवाई होगी वाराणसी में। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई होने जा रही है। लाइसेंस बनाने के लिए तत्कालीन डीएम के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। तो इस पूरे मामले में आज सुनवाई होगी वाराणसी में। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में सुनवाई की जाएगी। मुख्तार अंसारी को लेकर डीएम के फर्जी हस्ताक्षर यहां पर लाइसेंस बनवाने के लिए किए गए थे। यूपी में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी एटीएस का अभियान। यूपी डीजीपी के निर्देश पर अलग अलग जिलों में की गई कार्रवाई। पूरे प्रदेश से 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार रोहिंग्याओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, अलीगढ़ में कार्रवाई की गई है। रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी की गई है अलग अलग जगह से। और ये बता दें आपको, ये कार्रवाई डीजीपी के निर्देश पर हुई है। 74 रोहिंग्या है जो पूरे प्रदेश से अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अवैध तरीके से यहां पर रह रहे थे और अब इनकी गिरफ्तारी कर दी गई है। और आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 3 तस्वीरें, हापुड़, अलीगढ़, मथुरा, कहां कहां से कितनी गिरफ्तारी है देखिए। 12, 17, 31, ये तीनों जगह से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। आंकड़े भी हम आपको बता रहे हैं कितनी गिरफ्तारियां कहां से की गई हैं। तो रोहिंग्याओं पर ये प्रशासन का सख्त एक्शन। यूपीएटीएस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रोहिंग्याओं पर एक्शन। हिरासत में 74 रोहिंग्या, 6 जिलों में बड़ी कार्रवाई। शासन के आदेश पर अभियान, यूपीएटीएस की सबसे बड़ी कार्रवाई। सीमा हैदर पर बवाल के बीच अवैध तरीके से भारत में रह रहे 74 रोहिंग्या मुसलमान को यूपीएटीएस ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में दबिश देकर गिरफ्तार किया है। डीजीपी के निर्देश पर यूपी पुलिस ने प्रदेश भर में रोहिंग्या के खिलाफ अभियान चलाया। इसको लेकर यूपीएटीएस ने पुलिस के साथ मिलकर 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान सबसे ज्यादा रोहिंग्या मथुरा से धरे गए हैं। सहारनपुर से 2 पुरुष, मेरठ से 2 पुरुष, 1 पुरुष बाल अपचारी और 1 महिला अपचारी। हापुड़ से 12 पुरुष, 1 महिला, 2 पुरुष बाल अपचारी, 1 महिला बाल अपचारी। गाजियाबाद से 3 पुरुष, 1 महिला। अलीगढ़ से 7 पुरुष, 10 महिला। मथुरा से 29 पुरुष और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। रोहिंग्या मुसलमानों पर योगी सरकार ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जिसका एक बड़ा उदाहरण मथुरा के थाना जयंत क्षेत्र में उस वक्त देखने को मिला, जब यूपीएटीएस की टीम के साथ मथुरा पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में भारी पुलिस बल और पीएससी की बटालियन ने सुबह तड़के ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए कई रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में ले लिया। ये मुसलमान सैकड़ों की तादाद में झुग्गियां बनाकर लंबे समय से रह रहे हैं। वयस्कों से अधिक संख्या में बच्चे यहां देखने को मिले, जिनको ट्रेंड करने के लिए एक मौलवी यहां उनको उर्दू के साथ साथ तमाम तरह की तालीम दिया करता है। हापुड़ जिले में भी एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां अवैध रूप से रह रहे 16 रोहिंग्याओं को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। म्यांमार से ये रोहिंग्या अवैध रूप से हापुड़ में आए थे और थाना धौलाना क्षेत्र के खिचरा में रह रहे थे।